करते होंगे, और मैं आपकी होस्ट रिश्ता टीवी की तरफ से माह खान। और आप जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज आपके लिए एक नया रिश्ते लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए रिश्ते लेकर आई हूँ, 10 से 15 रिश्ते। और आपने हमारे जोसना चैनल को ना शुरू से लेके एंड तक देखना है, ताकि आपको कोई भी आप रिश्ता आपकी मर्जी के मुताबिक, बरादरी के मुताबिक, जैसा भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप कहेंगे हमारे प्रपोजल के मुताबिक हमारा प्रपोजल नहीं मिला। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखें, ताकि क्या पता इसी में आपको आपके मनपसंद का रिश्ता मिल जाए। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के हर शहर से, जैसे कि गाँव से भी, और बाहर के ममालिक से, कैनेडा, USA, UK, ठीक है, लंदन वगैरह के सारे रिश्ते जो है ना हमारे पास मौजूद है। अगर आप मुझे यहाँ से, पाकिस्तान से, या बाहर से किसी भी मुमालिक से आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारे दिए के स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना, आपने इसके ऊपर रब्ता करना, ताकि हमारा नुमाइंदा आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दे सके। हमारे हम जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर आपसे लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया, या 80-80 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार आपसे फीस मांगते हैं, कितने के 3-4 रिश्ते दिखाने के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, नहीं पसंद तो आपकी फीस खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा नुमाइंदा, हमारा अदारा ऐसा नहीं करता, ना ही वो फेक है, ठीक है। हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस होती है 2,000। हमारा रिश्ता करवाने के कोई पैसे नहीं होते, ना हम पैसे लेते हैं, हम फीस बिल्ला काम करते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ रब्ता करें, ताकि हम आपको आपके मनपसंद के रिश्ते दे सके, आपकी बरादरी के। आपको मुकम्मल इसकी डिटेल मिलेगी, ठीक है, लिस्टें मिलेगी, ताकि आप जिस तरह से भी रिश्ता चाहते हैं, कि इस तरह की लड़की हो या इस तरह का लड़का हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको हर तरह के मिलेगी। लेकिन आपने मेरी वीडियो को मिस नहीं करना, आपने शुरू से लेके लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है। आपको इसमें से कोई भी आपका प्रपोजल आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको आपसे फिर भी मेहरबानी करके दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को मिस नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और जो हमारे दिए के नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे, उस पे आपने रापता करना। बार बार आपको बोल रही हूँ, फिर नहीं कहिएगा कि आपसे हमें बताया नहीं गया। और आपने जो, मैं आपको कोड बताऊंगी, वो आपने कोड नंबर भी याद रखने हैं, ताकि आप हमारे नुमाइंदे से रापता कर सके और आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, हमारे पास से पहला रिश्ता है जो कि लड़के का रिश्ता है, लड़की का रिश्ता है, जिसका कोड नंबर है 701। लड़की की उम्र है 22 साल है, जात इनकी अवान है, और तलीम इसकी BA, घर इनका अपना जाती है, कद इसका 5 फुट 3 इंच है, ठीक है। भाई इनके 2 हैं, बहन इसकी 1 है। वाला साहब प्राइवेट जॉब करते हैं और फैसलाबाद से इनका तल्लुक है। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए आराम आराम से बोल रही हूँ, आप ये ना समझिएगा पता नहीं आहिस्ता की बोल रही है। तो एक एक चीज को मैं इसलिए क्लियर बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इस लड़की का नाम क्या है, या इसकी एज क्या है, इसकी तालीम क्या है, ठीक है, कि कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि हमें, आप पता नहीं क्या बोल गई थी वीडियो में, तो हमें पता ही नहीं लगा आपने रिश्ता क्या बोला है, इसकी तालीम क्या थी, या वो किस शहर से ताल्लुक रखती है, बस कोड नंबर में पता लगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलने का मकसद ये है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से और गौर से सुने, ताकि इसको समझे और आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी वीडियो को गौर से सुनेंगे, देखेंगे। और साथ साथ हमारे YouTube चैनल को भी आप उसको पेज को लाइक करते जाएं, फॉलो करते जाएं, TikTok को और Facebook को भी पेज को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और आने वाली वीडियो जिस तरह आपके तक पहुंची आपके मनपसंद के रिश्ते, इसी तरह बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए ना। सिर्फ अपना भला नहीं ना सोचते, दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। अगला है कोड 702, ये लड़के का रिश्ता है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि, लड़की वाले कहते हैं हमारे पास लड़के का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तो उनके लिए ये। लड़के की उम्र है 27 साल है, जात इनकी राजपूत है, तालीम इसकी मास्टर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, ठीक है, और घर अपना जाती है 1 किनाल का। भाई इनके 2 हैं, बहने इनकी 2 हैं, ठीक है, और ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने देखा, मैंने आपको पहले, आपको ये भी फैसलाबाद का, लड़की का भी फैसलाबाद से था, ठीक है। हमारे पास फैसलाबाद हो गया, गांव, किसी भी छोटे गांव का भी रिश्ता होना, वो भी हमारे पास होता है। तो आपने लालच में आके रिश्ते नहीं करने, आप अपने सोच समझ के रिश्ते करने हैं, ताकि आपको अपनी ही मर्जी के मुताबिक आपको रिश्ता मिल सके। अगला है 700, बेबी कोड है 705, ठीक है। लड़की की 32 साल है और बगैर, एक बच्चा है उसका, ठीक है। तलीम MA है, इंग्लिश है, और कद इसका 5 फुट 5 इंच है। जात इनकी रहमानी है, भाई इसके 3 है, बहन इसकी 2 है, घर अपना जाती है,
गुजरांवाला में जिला इनका है फैसलाबाद। अगर आप इनके साथ अपना रिश्ता करना चाहते हैं तो आप काइंडली बकायदा मेहरबानी है कि आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना इस पर रब्ता करें ताकि हमारा जो नुमाइंदा ना आप इसकी मुकम्मल डिटेल दे सके। जो हमारे अदारा है ना, ना तो ये फ्रॉड करता है ना कुछ, कोई बेईमानी नहीं है। आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और नंबर जो स्क्रीन पे दिया है उस पे आप रब्ता करें। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बेईमानी होगी या आपको रिश्ते नहीं मिलेंगे या हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर हमसे रब्ता करें ताकि हमारा नुमाइंदा आपको इसकी मुकम्मल लिस्ट दे सके रिश्तों के लिए। अच्छा, लड़के की उम्र है 25 साल है और जात इनकी सियाल जट है। जैसा कि मैं आपके लिए एक और रिश्ता लेकर आई हूँ वो लड़के का, ठीक है। लड़के की उम्र है 25 साल, जात इसकी सियाल जट है, कलीम इसकी मैट्रिक है, कद इसका 5 फुट 3 इंच है, भाई इसके 3 है, बहने इसकी 1 है, और इटली में ये जॉब करता है किसी फैक्ट्री में, ठीक है। और इसकी महाना जो आमदनी है वो 4 लाख रुपए है, और इनका जो पीछे जो तल्लुक आता है इसका वो गुजरात से रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसके साथ रिश्ता करना चाहते हैं तो अपनी बच्ची का, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप इस पे रब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा नुमाइंदा आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दे देगा, ठीक है। अगला रिश्ता है, एक और रिश्ता मैं लेकर आई हूँ जिसका कोड नंबर है। आपने कोड नंबर याद रखना है और इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इसको आपने लिख ले रख ले, और इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है, ताकि हमारा नुमाइंदा ना आपको आपकी ही मर्जी के मुताबिक जिस तरह से भी आप रिश्ता चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा। लड़की का रिश्ता है, कोड नंबर इसको याद रखिएगा, AB705, ठीक है। लड़की की उम्र है 25 साल, जात इनकी आराई है, तलीम इसकी MSc है, कद इसका 5 फुट 7 इंच है, भाई इसके 3 है, बहने इसकी 3 है, वाले सब अपना जाती कारोबार करते हैं, घर इनके 2 अपने जाती हैं, एक 5 मरले का और एक 12 मरले का, और ये लोग सरगोधा शहर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। एक और आपके लिए लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ, ठीक है। आपने कोड नंबर याद रखते जाना, आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, क्या पता इसी में आपको अपने ही मर्जी के मुताबिक आपका प्रपोजल आपको मिल जाए रिश्ते का, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक लास्ट में देखिएगा। अच्छा, लड़की की उम्र है 33 साल, ठीक है। जात इनकी मलक है और एक बच्ची की माँ है, दूसरी शादी है, ठीक है, तलाक हुई भी इसको, तो तलीम इसकी मैट्रिक है, कद इसका 5 फुट 4 इंच है, भाई इसके 4 हैं, बहन इसकी 1 है, वालद और वालदा वफात पा चुके हैं, ठीक है, और घर किराए का है, तो ये मुल्तान शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो लिहाजा ऐसी बच्चों के साथ रिश्ते किया करें जो तलाक याफ्ता हुई होती है, इनके माँ बाप ने जिनके सर पे होते यतीम होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक और रिश्ता लेकर आई हूँ लड़की का, जिसका कोड नंबर है 707, ठीक है। लड़की की उम्र है 21 साल, जात इसकी है अराइंग, कद इसका है 5 फुट 3 इंच है, तलीम इसकी मैट्रिक है, भाई इसका 1 है, बहन इसकी 1 है, घर अपना जाती है 5 मरले का, ठीक है, वाला साहब का मतलब कि अपना एक जनरल सा स्टोर है, ठीक है, और ये पाक पतन के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं अपने बेटे का, तो आप इसके साथ इनके हमारे जो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप इस पे रब्ता करें ताकि हमारा नुमाइंदा आपको इसकी डिटेल दे सके मुकम्मल, क्योंकि इसी के साथ मैं आपको आपके लिए एक और रिश्ता लेकर आई हूँ लड़की का, ठीक है, जिसकी उम्र है 29 साल, तलीम इसने MBA किया हुआ है, जात इसकी सैयद बुखारी है, ठीक है, कद इसका 5 फुट 4 इंच है, भाई इसके 2 है, बहन इसकी 1 है, घर किराए का है, और वाले साहब सब्जी का कारोबार करते हैं, और ये उपकारा के रहने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेरी वीडियो को गौर से सुने देखें, ताकि उनमें आपको पता लग सके कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके वाले साहब क्या करते हैं, और इनके इसकी बेटी की एज कितनी है, और वो तलाक याफ्ता ही है, पहली शादी, ताकि आपको सारी इसकी मुकम्मल डिटेल मिल सके। इसी के साथ मैं आपके लिए एक लड़की का और रिश्ता लेकर आई हूँ, ठीक है। आपने कोड नंबर याद रखने हैं सारे, ठीक है, कोड नंबर और मर्जी के स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ताकि आपने इस पे रब्ता करना है, ठीक है, और आपको ताकि हमारा नुमाइंदा इसकी मुकम्मल डिटेल देगा। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी, फेसबुक पेज को भी, और हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करते जाएं और शेयर करते जाएं, कमेंट्स करते जाएं, ठीक है। और लड़की का रिश्ता है, 26 साल इसकी उम्र है, तलीम इसकी मास्टर्स, ठीक है, साइकोलॉजी,
और जात इनकी वराइच है, कद इसका है 5 फुट 9 इंच है, ठीक है। गुजरात गुजरात के पीछे से रहने वाले हैं, और भाई इसका एक है, बहन एक है, इकलौती बहन है ये। वाले साहब मतलब खिचड़ी स्टाम्प फ्रोश का काम करते हैं, घर इनका अपना है, ठीक है। अगर आप इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं जो गुजरात के रहने, और जैसे कि मैंने बताया पहले फैसलाबाद का, फिर मुल्तान का, मतलब हमारे पास हर तरह के रिश्ते अब मौजूद है। अगर आप बाहर के ममालिक के कहेंगे वो भी आपको रिश्ते मिलेंगे, यूएसए, कनाडा, अमेरिका के, ठीक है। आपको अपनी ही मर्जी का जैसे से आप रिश्ता चाहते हैं आपको मिलता जाएगा। ये मत कहे कि जैसे मैं बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बाहर के ममालिक के रिश्ते नहीं बता रही, लेकिन अगर आप हमारे साथ रब्ता करेंगे इस नंबर के ऊपर, तो आपको आपकी ही मर्जी, अगर आप कहेंगे ना हमने कनाडा के रिश्ते चाहिए, आपको कनाडा के मिलेंगे। अगर आप हमें कहेंगे हमें गाँव के रिश्ते चाहिए, आपको गाँव के ही मिलेंगे। ये मत कीजिएगा कि आपके साथ फ्रॉड होगा, ये हमारे अदारा फेक, हमारा अदारा फेक नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और रिश्ता लेकर आई हूँ लड़के का, जिसका कोड है AB532, ठीक है। लड़के की उम्र है 24 साल है, जात इनकी राजपूत है, कद इसका 5 फुट 9 इंच है, तलीम इसकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भाई एक है, बहन एक है, घर अपना इनका जाती 10 मरले का, वाले साहब है वो वापटा में मुलाजम है, और रिहायश इनकी भावलपुर की है। अगर आप इसके साथ रिश्ता करना चाहते हैं अपनी बच्ची का, जो देख रहे हैं हमें घर बैठे, वालद और वालदेन जो भी देख रहे हैं, तो वो लिहाजा इस स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, तो इसके ऊपर आप रब्ता करें। मैं बार बार आपको कह रही हूँ ताकि आपको पता लग सके कि हमारे लिए जो रिश्ते हैं, आप दर सी बात है हर बंदा परेशान है कि रिश्ते की वजह से, तो आपको घर बैठे अगर रिश्ते मिल रहे हैं तो आपको तो इससे फायदा उठाना चाहिए। और हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप इस पे रब्ता करें, ताकि अपने मनपसंद रिश्ते आप अपने ले सकें। जैसे लोग कहते हैं हमारी अपनी ही बरादरी के होने चाहिए, तो आपको अपनी ही बरादरी के रिश्ते मिलेंगे, सिर्फ आपने इस पे रब्ता करना है, ताकि आपको आपकी ही मर्जी के मुताबिक हर रिश्ता मिल सके, ठीक है।